हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आई डिस्कस कर लेते हैं आज की न्यूज़। आज है 8th ऑफ जुलाई, सो देख लेते हैं कौन सी न्यूज़ हमें डिस्कस करनी है। पहली न्यूज़ देखिए, संडे स्पेशल के नाम से जो आती है संडे को, उसमें जो र्यूमर्स फेक वीडियोस के थ्रू आजकल मॉब लिंचिंग का जो एक माहौल बनता जा रहा है, भीड़ तंत्र के द्वारा एक हत्या और वायलेंस फैलाना, उसके बारे में कई सारे केसेस का इसमें जिक्र किया गया है। और ये देखिए एक ट्रेंड चलता जा रहा है हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग जगहों पे ये कई सारे केसेस रिसेंट में हुए हैं और करीब अब तक 20 लोग इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं। ठीक है, तो इसमें कहा यही गया है कि एक्सपर्ट्स जो हैं उनको कोई ऐसी टेक्नोलॉजी डिप्लॉय करनी चाहिए जिससे ऐसी फेक न्यूज़ या फेक वीडियोज़ या फेक जो र्यूमर्स होते हैं उनको रोका जा सके। राइट, तो ऐसी मिसचीफ जो हैं चीज़ें हैं उनको टेक्नोलॉजी डिप्लॉय करके रोका जा सके। तो अभी जो रिसेंट का केस है, महाराष्ट्र का 1 जुलाई का केस है, तो इसमें जो नोमैडिक कम्युनिटी के 5 लोगों को भीड़ के द्वारा मार दिया गया, जबकि ये जो और जो वीडियो सर्कुलेट की गई वो कराची की वीडियो थी। राइट, और उसमें जो एडवर्टीजमेंट किया गया था बच्चों की सेफ्टी से रिलेटेड। राइट, तो देखिए बच्चों की सेफ्टी को एक माध्यम बनाया गया और उसके थ्रू 5 लोगों की हत्या कर दी जाती है भीड़ के द्वारा। ठीक है, तो बहुत सारे केसेस में, ये सिर्फ महाराष्ट्र का ही केसेस नहीं है, देखिए मालेगांव का केस है, तेलंगाना में अभी एक केस हुआ, बेंगलुरु में केस हुआ। राइट, तो इस तरीके से देश के अलग अलग पार्ट्स में ये सारे केसेस रिसेंट में होते जा रहे हैं और ये एक तरीके से ट्रेंड बनता जा रहा है। ठीक है, तो ज़रूरत इस बात की है कि लोगों को अवेयर किया जाए और कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की जाए ताकि ऐसी फेक वीडियोज़ और जो भी र्यूमर्स वगैरह हैं उनको रोका जा सके। राइट, तो एक टॉपिक हो सकता है हमारे लिए एसए का या एथिक्स में भी ये एक क्वेश्चन बन सकता है इससे रिलेटेड। ठीक है, तो आप ज़रा ज़रूर सोचिए इस के बारे में और इसके जो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। ठीक है, अगली न्यूज़ की तरफ देखिए, बढ़ते हैं। 3 प्रोटेस्टर्स डेड इन जम्मू कश्मीर फायरिंग। राइट, तो जम्मू कश्मीर में फायरिंग में 3 प्रोटेस्टर जो थे उनको जान गंवानी पड़ी। और ये जो तस्वीर है ये 16 साल की एक बच्ची है, देख रहे हैं, अंदलीब नाम है इसका, ये भी उसमें शामिल है। ठीक है, उसके बाद देखिए ग्रीन जो वहाँ के गवर्नर हैं वोरा, उन्होंने इमरजेंसी मीटिंग की आर्मी के साथ और उन्होंने आर्मी को रेस्ट्रेंट रहने को कहा है। ठीक है, आर्मी टू एक्सरसाइज रेस्ट्रेंट। राइट, तो खैर उन्होंने एक्शन लेने की बात की है और आर्मी से कहा है कि आप लोग थोड़ा रेस्ट्रेंट तरीके से डील कीजिए लोगों को। राइट, देखिए अब जेई मेंस और नीट के जो एग्ज़ाम्स होंगे वो एक साल में 2 बार होंगे। ठीक है, ट्वाइस अ ईयर होंगे, ऐसा कहा है हमारे जो मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर, एचआरडी मिनिस्टर जो हैं उन्होंने। और ये जो एग्ज़ाम होंगे वो अब एनटीए करवाएगी। ठीक है, तो पहले सीबीएसई ये सारे एग्ज़ाम कराती थी और अब उसकी जगह पे ये जो एनटीए एक बॉडी है अब ये एग्ज़ाम कराएगी। ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक जो नई बॉडी बनाई गई है तो अब ये सारे एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी। राइट, सीबीएसई कह रहे हैं कि बहुत ओवरबर्डन थी तो सीबीएसई को थोड़ा सा राहत मिली है इससे और ये सारा काम अब एनटीए को सौंप दिया गया। ये सारी डेट भी मेंशन है कि किस डेट में ये एग्ज़ाम कराए जाएंगे, रिजल्ट कब आएगा। राइट, तो इसको आप देख सकते हैं। और एनटीए देखिए कौन कौन से एग्ज़ाम कराएगी, जेई मेंस का एग्ज़ाम, नीट का एग्ज़ाम, यूजीसी नेट का, सीमैट और सीपैट एग्ज़ामिनेशन। राइट, तो ये सारे एग्ज़ाम ये कराएगी। तो जो भी एस्पिरेंट हैं नीट या जेई के उनके लिए ये बेसिकली उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। और देखिए ऑनर्ड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जयंत सिन्हा पे आरोप है कि उन्होंने मॉब लिंचिंग का ही एक केस था और उसमें एक अलीमुद्दीन अंसारी नाम के इंसान को फेक न्यूज़ के आधार पर मार दिया जाता है बीफ के नाम पे। राइट, तो उसमें जो लोग एक्यूज थे उनको इन्होंने ऑनर किया है, उनको माला वगैरह पहनाई है, तो उसके बाद से ये काफ़ी विवादों में घिर गए हैं और इनके फादर ने भी इनको स्लैम किया है। राइट, तो जबकि इनका जो रिस्पांस है वो ये है, इन्होंने ये कहा कि हमने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को ऑनर किया है। राइट, इसके अलावा अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे लिए कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है नहीं, कंपटीशन टू रिलीज। और मेट डिपार्टमेंट ने फोरकास्ट किया है कि नेक्स्ट वीक काफ़ी हैवी रेन हो सकती है और मेट डिपार्टमेंट फोरकास्टिंग रेन ऑन जुलाई 9। राइट, तो ऑन सैटरडे मैक्सिमम टेम्परेचर वाज रिकॉर्डेड 38.3 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री अबव द नॉर्मल, द मिनिमम वाज 28.2। राइट, तो अगले वीक कह रहे हैं कि अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। इसके अलावा आईएमए जो है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, उन्होंने एक कमेटी बनाई है ताकि जो डॉक्टर्स हैं उनकी
उनके इमोशनल हेल्थ और उनकी वेलबींग को जाना जा सके। लाइक क्योंकि कह रहे हैं कि स्टडी में ऐसा पता चला है कि जो बहुत सारे डॉक्टर हैं वो खुद स्ट्रेस और डिप्रेशन का शिकार है, ठीक है। तो सिग्निफिकेंटली हायर सुसाइड रेट भी उनमें पाया जाता है जनरल पॉपुलेशन के कंपेयर में, राइट। तो डॉक्टरों में देखिए कह रहे हैं कि खुद ये डिप्रेशन और स्ट्रेस की शिकायत काफ़ी ज़्यादा है, और जो सुसाइड के केसेस हैं वो भी जनरल पॉपुलेशन के केसेस के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इसके लिए उन्होंने कहा है ये एक कमेटी बनाने को। तो क्या मीज़र लिए जाने हैं, तो इसमें कह रहे हैं कि सबसे ज़रूरी बात यह है कि अवेयरनेस फैलाई जाए, राइट। क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड इंटरवेंशन विल हेल्प ब्रिंग डाउन द सुसाइड रेट्स, राइट। तो अवेयरनेस और इंटरवेंशन के थ्रू सुसाइड रेट्स कम किया जा सकता है। इसके अलावा प्रोफेशनल सपोर्ट सिस्टम काम करेगा, और इसके अलावा हेल्पलाइन और काउंसिलिंग सेंटर जो होंगे वो प्रमोट किए जाएंगे IMA के द्वारा, जो कि हेल्प करेंगे स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स की, राइट। तो जो भी पढ़ाई कर रहे हैं मेडिकल की, उनके लिए ये सारी चीज़ें की जाएंगी, राइट, ताकि उनके स्ट्रेस और डिप्रेशन को दूर किया जा सके और सुसाइड रेट जो हैं उसको भी नीचे लाया जा सके। इसके अलावा बढ़ते हैं हम अगली न्यूज़ की तरफ। ये क्लासिफाइड और ये एडवर्टाइजमेंट को स्किप करते हुए देखिए, रिपोर्ट शॉर्ट की गई है ग्राउंड वाटर से रिलेटेड, राइट। तो रिपोर्ट शॉर्ट ऑन ग्राउंड वाटर रिचार्ज प्लान, NGT ने डायरेक्ट किया दिल्ली गवर्नमेंट को कि आप एक रिपोर्ट सबमिट कीजिए कि कौन से एरिया हैं वेयर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हैज़ बीन इंस्टॉल्ड, राइट। तो जहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इंस्टॉल किए गए हैं उसकी ये इन्फॉर्मेशन इन्होंने मांगी है, ठीक है। द रिपोर्ट नीड्स टू फाइल्ड विद इन अ मंथ, एक महीने के अंदर ही ये इनको ये रिपोर्ट सबमिट करनी है। इसके अलावा देखिए, शहरों में वाटर लॉगिंग एक बड़ी समस्या है, तो उस पर भी PWD ऑफिशियल को कहा गया है कि आप लोग चेक कीजिए, कीप अ चेक ऑन वाटर लॉगिंग, राइट। तो जहाँ भी जो भी ऐसे एरिया हैं जहाँ पे वाटर लॉगिंग होती है कॉमनली, उसको आप चेक कीजिए और उसको आप मॉनिटर कीजिए, राइट। आप उन एरिया को विजिट कीजिए और आप देखिए कहाँ पे वाटर लॉगिंग होती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दिल्ली, मुंबई, इन सारे बड़े शहरों में वाटर लॉगिंग एक बड़ी समस्या है, ठीक है। तो इसको डील करने के लिए PWD ऑफिशियल को ऑर्डर दिया गया है कि आप उनको देखिए। इसके अलावा क्वारिंग कह रहे हैं कि क्वारिंग डूम फॉर्सिन इन काजीरंगा, राइट। तो क्वारिंग का मतलब उत्खनन होता है, राइट, खनन जो होता है। तो ये कह रहे हैं कि एक ऐसी रिपोर्ट आई है डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर की, तो उसमें ये कहा गया है कि इस क्वारिंग से, इस उत्खनन से जो काजीरंगा नेशनल पार्क है उसके हैबिटाट को काफ़ी नुकसान पहुँच सकता है, ठीक है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में आपको पता होगा, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और वन हॉर्न राइनोसोर के लिए ये काफ़ी फेमस है, ठीक है। तो स्टोन की क्वेरिंग हो रही है इस पार्क के विसिनिटी में, तो वो कह रहे हैं कि उससे इसको काफ़ी थ्रेट पहुंच सकता है, ठीक है। तो इमिनेंट थ्रेट वहां पे काजीरंगा नेशनल पार्क को पहुंच सकता है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन ये है कि 884 स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया है, और इसके अलावा इसमें टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है। तो नेशनल टाइगर रिजर्व भी इसी नेशनल पार्क में स्थित है। तो चूंकि नेशनल टाइगर रिजर्व भी इसमें आता है, तो इसलिए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है उन्होंने भी अप्रैल 20 को आसाम गवर्नमेंट को कहा था कि आप इमिडिएटली इन सारी माइनिंग क्वेरिंग जो हो रही हैं इनको स्टॉप कीजिए, ठीक है। तो जो भी क्रशिंग की एक्टिविटीज हो रही है काजीरंगा और कर्बी अंगलांग लैंडस्केप पे, उसको स्टॉप करने की बात NTCA ने भी की थी, राइट। तो साउथर्न एज ऑफ जो काजीरंगा है वो कह रहे हैं कि वो एडज्वाइन करता है हिली कर्बी अंगलांग एरिया को, ठीक है। द पार्क्स एनिमल्स फ्री थ्री ड्यूरिंग हाई फ्लड्स। तो जब देखिए असम में आपको पता होगा हर साल हैवी बाढ़ आती है, फ्लड्स आती है, तो ये कह रहे हैं कि जब बाढ़ आती है तो ये जो पार्क का ये जो एरिया है ये अक्सर खाली हो जाता है। तो ये देखिए जो स्टोन की ये जो क्वेरिंग होती है, इसे कह रहे हैं कि यहाँ पे जो वाटर की जो प्रॉब्लम है, वाटर क्वालिटी की जो प्रॉब्लम है वो भी उससे अफेक्टेड होती है, राइट। और वो अल्टीमेटली फिर जो यहाँ के वाइल्ड लाइफ जो है उनके हैबिटाट को नुकसान पहुँचाती है, ठीक है। तो वहाँ पे काफ़ी वाटर स्ट्रीम्स हैं जो कि वहाँ पे फ्लो करती हैं, ठीक है। कर्बी अंगलांग हिल्स के पास ये स्ट्रीम्स जो हैं वो फ्लो करती हैं। इवन एक रिवर है जिसका नाम है डिफोलो रिवर, तो वो तो काजीरंगा नेशनल पार्क में ही बहती है, ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क और जो टाइगर रिजर्व है उससे ये फ्लो होती है, राइट। तो
ये सारी न्यूज़ देखी हमने काजीरंगा नेशनल पार्क से रिलेटेड, तो गवर्नमेंट को इस पे एक्शन लेने की ज़रूरत है, ठीक है, तुरंत क्विक एक्शन लेने की ज़रूरत है। इसके अलावा 3 किल्ड बाई सस्पेक्टेड काउ स्मगल्ड इन मेघालय, देखिए तो हमने ऊपर शुरुआत ही इसी न्यूज़ से की थी, तो सस्पेक्टेड इसमें स्मगलर जो है उनको मार दिया गया, और थ्री अदर्स इंजर्ड इन द अटैक, और 6 लोगों को पकड़ा गया, राइट। तो सस्पेक्टेड लोग थे, ठीक है ना, ये वर्ड ध्यान देखने, सस्पेक्टेड थे और इन लोगों को मार दिया गया। तो रियलिटी क्या है ये तो खैर अब बाद में पता चलेगा, लेकिन सस्पिशन के आधार पर मारना ये भी ठीक नहीं है, राइट। और पप्पू यादव थ्रेटन्स डिस्टर्ब्ड लोकसभा प्रोसीडिंग, तो ये चाहते हैं कि बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस प्रोवाइड किया जाए, और इन्होंने कहा कि लोकसभा की प्रोसीडिंग को वो डिस्टर्ब करेंगे, राइट। और इसके अलावा इन्होंने बंद भी डिमांड किया है, और आप ये देख सकते हैं बुलक कार्ड प्रोसेशन मेक इट्स थ्रू पटना ऑन सैटरडे ड्यूरिंग द जन अधिकार पार्टी, ठीक है, तो इनकी पार्टी जो है जन अधिकार पार्टी, उसके थ्रू ये वहाँ पे बुलक के थ्रू इन बैलगाड़ी के थ्रू अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, राइट। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कौन सी न्यूज़ है। देखिए थर्माकोल जो होता है, चूँकि ये बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस नहीं है, तो उस पर बैन लगाने की बात की, और ये थर्माकोल कह रहे हैं कि ये हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इसको बैन कर रखा है, ठीक है। तो नए नोटिफिकेशन में कहा गया है कि नो पर्सन इंक्लूडिंग शॉपकीपर्स, वेंडर्स, होलसेलर, रिटेलर, हॉकर्स या फिर रेडी वाला विल यूज़ थर्माकोल कटलेरी इन एनी फॉर्म मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, ठीक है। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से अगर कोई भी अगर इस तरीके का थर्माकोल अगर बना है, मैन्युफैक्चर्ड है, तो उसको आप यूज़ नहीं कर सकते, राइट। और बढ़ते हैं आगे, हाँ देखिए एग्री पावर गेट्स अ बूस्ट इन राजस्थान, तो चूंकि इलेक्शन भी होने हैं दिसंबर में राजस्थान में, तो वहाँ पे काफ़ी अब गवर्नमेंट एक्टिव हो गई है। तो पब्लिक सेक्टर, देखिए पावर जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, डिस्कॉम्स जिनको कहा जाता है, तो राजस्थान में उन्होंने बहुत तेज़ी से काम करना शुरू किया है, और एक्सपेडाइटेड द रिलीज ऑफ द एग्रीकल्चर पावर कनेक्शन अहेड ऑफ द स्टेट, तो एग्रीकल्चर के लिए जो पावर गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि एग्रीकल्चर को अलग से पावर प्रोवाइड किया जाएगा, तो उस पर ये कह रहे हैं कि बहुत तेज़ी से ये काम किया जा रहा है, ठीक है। वाइल द सिंगल फेज पावर इज बींग सप्लाइड फॉर 22 to 24 hours a day, तो सिंगल फेज की जो पावर है वो 22 से 24 घंटे प्रोवाइड की जा रही है, और थ्री फेज जो पावर है गिवन फॉर अ ड्यूरेशन बिटवीन 6 hours and 7 hours a day, ठीक है। तो थ्री फेज जो है वो 6 से 7 घंटे प्रोवाइड किया जा रहा है डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी, राइट। तो ऐसा कहा गया है कि तो मतलब एक तरीके से पावर सेक्टर में काफ़ी बूस्टअप देखने को मिल रहा है, राइट, और काफ़ी तेज़ी से काम वहाँ पे हो रहा है। इसके अलावा साइमल्टेनियस पोल से रिलेटेड कल मीटिंग होनी थी, तो ये कह रहे हैं कि जो तेलुगु देशम पार्टी है वो इसके फेवर में है, यानी कि वो चाहती है कि इलेक्शन हो, लेकिन ये कह रहे हैं कि सिर्फ 5 साल में, ये 5 साल कंप्लीट करने के बाद ही होनी चाहिए, ठीक है। तो असेंबली इज़ ओनली ऑन द कंप्लीशन ऑफ द 5-year tenure एंड नॉट अर्लियर, ठीक है। तो ये चाहते हैं कि असेंबली जब 5 साल अपना पूरा कर ले उसके बाद ही ये इलेक्शन हो। तो ये एक देखिए डिबेट का टॉपिक है साइमल्टेनियस इलेक्शन, और इस पर क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है UPSC में। इसके अलावा केरला प्लान्स हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट, चीफ मिनिस्टर एंड हेल्थ मिनिस्टर फैसिलिटेट एट यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड, राइट। तो वायनाड डिस्ट्रिक्ट में, देखिए वायनाड के मनंथनावड़ी में ये एक हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित करने जा रहे हैं, और ये सिडनी कार्मेल कैंसर सेंटर के मदद से, ठीक है ना, तो कोलैबोरेशन है इसका, कोलैबोरेशन विद सिडनी कार्मेल कैंसर सेंटर अंडर द थॉमस जेफरसन यूनिवर्सिटी, राइट। तो इसके कोलैबोरेशन के साथ ये हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया जाना है। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि रेन इन कर्नाटका क्लेम्स 2 lives, डेंटल काउंसिल वांट्स बायोमेट्रिक अटेंडेंस, राइट। तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस कह रहे हैं कि इंट्रोड्यूस किए जाने की डिमांड कर रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट जो हैं डेंटिस्ट्री के, ठीक है। तो 2019 से ये कह रहे हैं कि ये बायोमेट्रिक डेंटल काउंसिल ने ये डिमांड की है। और देखिए वसई जो वाटरफॉल है मुंबई में, तो वहाँ पे 106 लोगों की जान बचाई गई, और एक उसमें मतलब एक बंदे को बचाया नहीं जा सका, तो वन डाइज आफ्टर वीकेंड रिवेलर्स स्ट्रैंडेड, राइट। और देखिए गर्ल स्टूडेंट्स आर गेम चेंजर्स, ऐसा कहा है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने। तो ये गोवा में थे, और गोवा में इन्होंने ये बातें कही हैं,
गोवा यूनिवर्सिटी का 30th कन्वोकेशन था, तो उन्होंने देखिए काफ़ी अच्छी बातें कही हैं, और उन्होंने ये कहा है कि टिनेसिटी एंड द एकेडमिक अचीवमेंट ऑफ द गर्ल स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री वर अ गेम चेंजर फॉर आवर सोसाइटी, राइट। तो स्टूडेंट्स और स्पेशली गर्ल्स स्टूडेंट की मतलब स्टडी के बारे में उनकी शिक्षा को इम्फेसिस करते हुए कह रहे हैं कि ये गेम चेंजर साबित हो सकती है हमारी सोसाइटी के लिए, ठीक है। तो इसके अलावा इन्होंने गर्ल्स के बारे में कहा कि गर्ल्स जो हैं यहाँ की टॉपर्स में से हैं, और कह रहे हैं कि उनको उम्मीद है द गोवा प्रमोशन ऑफ गर्ल एजुकेशन वुड बी अ मॉडल फॉर द अदर स्टेट, राइट। और गर्ल्स की परफॉर्मेंस का भी इन्होंने थोड़ा यहाँ पे जिक्र किया हुआ है। इसके अलावा अगली न्यूज़ देखिए, कह रहे हैं कि स्टेट्स वुड एक्सेप्ट अवार्ड ऑन वाटर डिस्प्यूट। तो वेंकैया नायडू ने कहा है कि जो स्टेट्स हैं उनको समझना चाहिए कि जो भी स्टेट वाटर डिस्प्यूट जो भी हैं उनको ख़त्म करके और डेमोक्रेटिक तरीके से एक गुड मतलब डेमोक्रेटिक तरीके से जो आदेश है इन अथॉरिटीज़ के या कोर्ट के उनको मानना चाहिए, राइट। तो यही कहा है उन्होंने कि स्टेट शुड अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट द फाइनल अवार्ड गिवन ऑन इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, ठीक है। तो इंटर वाटर स्टेट डिस्प्यूट पे जो भी अवार्ड किए गए उनको मानना चाहिए, नो मैटर व्हाट इज़, अदरवाइज इट वुड नॉट बी अ गुड ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, ठीक है। तो मतलब कह रहे हैं कि मतलब हर हाल में उनको ये एक्सेप्ट करना चाहिए, और अदरवाइज ये हमारे डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के लिए ये अच्छा नहीं होगा, राइट। और इंटरलिंकिंग को भी इन्होंने एम्फेसिस किया, इन्होंने कहा कि रिवर्स इन इंडिया शुड बी कनेक्टेड, राइट। द गवर्नमेंट शुड डू दिस ऑन प्रायोरिटी बेसिस एंड सी इट दैट सम एग्रीमेंट इज़ देयर, राइट। तो इसके अलावा भी आगे इन्होंने कुछ कहा है, देखिए, वी नीड टू प्रिजर्व आवर ट्रेडिशनल पॉन्ड्स एंड यूज रेन वाटर हार्वेस्टिंग डिसिल्टिंग एंड अदर मेथड्स टू सेव वाटर, राइट। तो बेसिकली इन्होंने पानी पे कैसे को बचाने के लिए काफ़ी जोर दिया, और इन्होंने ये भी कहा कि हमें प्रिजर्व करना चाहिए जो हमारे जैसे जो ट्रेडिशनल पॉन्ड्स होते थे, राइट, और पहले लेक्स वगैरह भी काफ़ी हुआ करती थी, और डिसिल्टिंग वगैरह के लिए और जो भी अदर मेथड्स जो भी हम कर मतलब शामिल कर सकते हैं पानी को बचाने के लिए वो हमें करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हाइब्रिड रॉकेट टेक इन फ्यूचर, तो इसरो के जो चेयरमैन हैं के सिवन, उन्होंने ऐसी बातें कही हैं कि हाइब्रिड जो रॉकेट है वो उसकी टेक्नोलॉजी हम फ्यूचर में अब डेवलप करेंगे, राइट। और फ्यूचर जो इंडियन स्पेस मिशन होगा तो उसमें जो इनके प्लान है देखिए क्या क्या हैं, कह रहे हैं कि जैसे डिस्टेंट ह्यूमन फ्लाइट, इसके अलावा रिटर्नेबल एंड रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स, राइट, और विल्ड्रा हैवली फॉर्म एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इन सब के लिए कह रहे हैं कि एक हैवली एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी की हमें ज़रूरत है, राइट। कॉलिंग इट अ हेल्दी मैरिज ऑफ कॉम्प्लेक्स रॉकेट साइंस एंड आर्टफुल एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजीज, ही सेड द स्पेस एजेंसी वॉज लुकिंग एट द प्रॉस्पेक्ट ऑफ विंग्ड स्पेस प्लेन्स दैट मिक्स्ड रॉकेट साइंस विद द प्लेन टेक्नोलॉजी एंड परहैप्स आफ्टर अ डिकेड्स, राइट। तो इन्होंने कहा कि एक ये हेल्दी मैरिज का इन्होंने टर्म यूज़ किया यहाँ पे, और जो प्लेन्स होते हैं, ठीक है, विंग्ड स्पेस प्लेन्स, और उनको रॉकेट के साथ मिक्स करके ये एक नई टेक्नोलॉजी को जिसे हाइब्रिड टेक्नोलॉजी इन्होंने कहा हाइब्रिड रॉकेट का है उसको यूज़ करना चाहते हैं फ्यूचर में। और मोदी स्टार्स राजस्थान कैंपेन, तो इलेक्शन आ रहा है तो इसलिए देखिए उन्होंने ढेर सारी परियोजनाओं का 21,000 करीब करोड़ की परियोजनाओं का एक साथ उन्होंने इनॉग्रेशन किया। इसके अलावा देखिए फार्म पॉलिसीज़ जो कह रहे हैं, फार्म पॉलिसीज ऑफ टारगेट स्टडी करिए। देखिए तो ये कह रहे हैं कि देखिए जो अगर आप फार्मर्स की हेल्प करते हैं, फार्मर को इंसेंटिवाइज प्रोवाइड करते हैं, राइट, उनकी इनकम अगर बढ़ती है तो फार्मर से ज़्यादा जो फ़ायदा होगा वो कंज्यूमर को होगा, ऐसा स्टडी में कहा गया है, ऐसा एक रिपोर्ट में कहा गया है, राइट। तो देखिए 2014 से 2016 के बीच में ये कह रहे हैं कि 6% एनुअल रिडक्शन हुआ है ग्रास फार्म ऑफ रिवेन्यू का, राइट। तो ये 6% एनुअल रिडक्शन है ग्रास फार्म रिवेन्यू का, लेकिन कंज्यूमर के केस में कह रहे हैं कि ये 25% लेस फॉर कमोडिटीज एज ए रिजल्ट ऑफ पॉलिसी इंटरवेंशन, राइट। तो ये जो सब्सिडीज़ इनको प्रोवाइड की जाती है तो उसका ये देखिए कह रहे हैं कि इतना फ़ायदा हुआ है, मतलब अगर ये 6% एनुअल रिडक्शन अगर इनको मिला है फार्मर्स के लिए तो उसका फ़ायदा 25% हुआ है कम्योडिटीज़ के वैल्यू में, और वो फ़ायदा जो 25% हुआ है वो किसको हुआ है, वो कंज्यूमर को हुआ है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू रिसर्चर एट द OECD, OECD क्या है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है।
तो OECD के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट बॉडी है। तो देखिए OECD जो है ये कह रहे हैं कि इंटर गवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। 36 मेंबर है। 1961 में ये फाउंड की गई थी और मकसद था कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो है और वर्ल्ड ट्रेड जो है उनको स्टिमुलेट किया जा सके, उनको और बढ़ाया जा सके, राइट। और ये जो फोरम है ये कह रहे हैं कि फोरम ऑफ कंट्रीज डिस्क्राइबिंग देमसेल्फ एज कमिटेड टू डेमोक्रेसी एंड द मार्केट इकोनॉमी, ठीक है। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी OECD के बारे में। तो 1948 में देखिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था और उस वक्त इसका नाम OEEC था, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन था, और रॉबर्ट जो मार्जोलिन है फ्रांस के, उन्होंने इसको ओरिजिनेट किया था, राइट। लेकिन बाद में 1961 में इसको, इस बॉडी को रिफॉर्म कर दिया गया OECD में, ठीक है। तो कन्वेंशन ऑन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के बेस पे इसका नाम OECD कर दिया गया, और मेंबरशिप भी एक्सटेंड कर दी गई नॉन यूरोपियन स्टेट्स के लिए, राइट। तो इसका जो हेड क्वार्टर है वो पेरिस में ही है, और OECD फंड जो फंड इसका जो आता है वो फंडेड बाई कंट्रीब्यूशन फ्रॉम मेंबर स्टेट्स एट वेरिंग रेट्स एंड हैड ए टोटल बजट 374 मिलियन इन 2017, राइट। तो ये जो बातें हम मेंशन कर रहे थे, जो जिक्र कर रहे थे कि कंज्यूमर का ज़्यादा फ़ायदा होता है, तो यही बातें रिसर्च में ये आई हैं। OECD और एक इंडियन एजेंसी है, इसमें इंडियन थिंक टैंक है इक्रियर, ठीक है, ICRIER। तो इन लोगों ने एनालाइज किया कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में 2 साल के पीरियड में, मतलब ये 2014 से 16 की बात कर रही है, तो 2 साल के पीरियड में इन्होंने देखा कि अगर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है, राइट, तो उसका ज़्यादा फ़ायदा वो होता है कंज्यूमर सेंट्रिक होता है देन प्रोड्यूसर सेंट्रिक, राइट। तो अगर कंज्यूमर फार्मर को अगर ज़्यादा आप हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको सब्सिडीज़ दे रहे हैं, उनको उनकी जो फार्म प्रोड्यूस है उसमें अगर आप इंटरवेंशन कर रहे हैं या उनकी इनकम को बढ़ा रहे हैं, तो उसका फ़ायदा कंज्यूमर को फार्मर से ज़्यादा होता है। और ये देखिए टीस्टा वाटर नो लॉन्गर ए हर्डल इन टाइज, तो ये कह रहे हैं कि चूँकि टीस्टा वाटर एक इंडो और बांग्लादेश का एक हमेशा कॉन्फ्लिक्ट का इशू रहा है, राइट। तो ये कह रहे हैं कि वो अब एक हर्डल नहीं है इन हमारी टाइज के बीच में। तो पॉलिटिकल एडवाइज़र है प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के, उन्होंने ये बातें कही हैं कि उनके जो इंस्टेंस है उनमें एक शिफ्ट आया है, राइट। मतलब ये हम कह रहे हैं कि उनमें एक मेजर शिफ्ट देखने को मिल रहा है उनकी इन बातों से, राइट। तो तीस्ता एग्रीमेंट देखिए 2011 में एक बार तो कोशिश की गई थी साइन करने की, लेकिन और काफ़ी मतलब करीब था ये कि अब साइन हो जाएगा, लेकिन जो बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने इसको ब्लॉक कर दिया, मतलब वो एग्री नहीं हुई और फिर ये ठंडे बस्ते में ये चला गया, राइट। तो PM हसीना ने देखिए कई मौक़ों पर कहा है कि वी आर अ लोअर राइपेरियन स्टेट एंड रिवर फ्लो डाउनवर्ड्स, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि हम लोअर रिपेरियन स्टेट हैं और जो रिवर जो बहती है वो डाउनवर्ड्स मतलब नीचे ही बहती है। सो यू कैन नॉट स्टॉप टिस्ता फ्लोइंग इनटू बांग्लादेश टुडे एंड टुमारो ए फॉर्मल एग्रीमेंट विल टेक प्लेस, राइट। तो उन्होंने कहा कि आप पानी को रोक नहीं सकते और आज या नहीं तो कल फिर अब इस पर एक क्या नाम है फॉर्मल एग्रीमेंट इस पे होगा, राइट। द फॉर्मल एग्रीमेंट विल टेक प्लेस, तो बट इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम बिटवीन द नेबर्स एनी मोर, लेकिन उन्होंने कहा कि इसकी वजह से कोई हमारे नेबर्स मतलब इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो तीस्ता रिवर काफ़ी न्यूज़ में वैसे ये रही है। इसके अलावा देखिए ब्रॉक वैली आउटफिट्स ने स्लैम किया है NRC को, तो आपको पता होगा असम में जो ये काम चल रहा है NRC का, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, ठीक है। तो उसको इन्होंने स्लैम किया है, उन्होंने कहा है कि लीडर अलिस दैट नेम ऑफ द ओनली 35% ऑफ द पीपल एरिया फिगर्ड इन द फर्स्ट ड्राफ्ट। तो फर्स्ट ड्राफ्ट उन्होंने जो तैयार किया उसमें सिर्फ उस एरिया के सिर्फ 35% लोगों का ही नाम है, राइट। अभी हमने 2-3 दिन पहले न्यूज़ डिस्कस की थी कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके पब्लिकेशन पे थोड़ी सी रोक नहीं लगाई है बल्कि एक्सटेंड कर दिया इसको 1 महीने, ठीक है। तो असल में अभी वहाँ पे देखिए असम में बाढ़ जैसे हालात हैं, सिचुएशन वहाँ पे अच्छी है। इसके अलावा ये जो अगर पब्लिश होती है तो बहुत सारे लोगों का चूँकि नाम उसमें से ओमिट किया गया है, तो एक लॉ एंड ऑर्डर की भी प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट हो सकती है, राइट। तो इसी वजह से देखिए और भी कुछ लोग हैं जो ये इनको स्लैम कर रहे हैं, राइट। और इनक्रिप्शन टू एंश्योर फुल प्रूफ ऑफ JEE नीट, तो कह रहे हैं कि टेस्ट टू बी एक्विटेड यूजिंग स्टैंडर्डाइजेशन टेक्निक, राइट। तो यूनियन होम जो आपके ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने जो अनाउंस किया है अभी हमने ऊपर जो न्यूज़ डिस्कस की है,
तो उसको ये कह रहा है कि इनक्रिप्शन की ज़रूरत है ताकि ये जेई और नीट के एग्ज़ाम जो है वो फुल प्रूफ हो सके। इसके अलावा स्टैंडर्डाइजेशन टेक्निक भी यूज़ करने की बात इसमें की जा रही है, ठीक है। क्योंकि देखिए रिसेंट में बहुत सारे जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें पेपर आप लोगों को लीक की शिकायत मिली होगी, जैसे SSC का एग्ज़ाम कुछ दिनों पहले हुआ, राइट, और भी CBSE के भी काफ़ी एग्ज़ाम जो हैं, ये +2 वगैरह के एग्ज़ाम जो हुए थे 10th और 12th के, उसमें भी पेपर लीक के केसेस देखने को मिले थे। तो उसी को नज़र में रखते हुए इन्होंने इनक्रिप्शन की बात की है, राइट। तो देयर वुड बी इनक्रिप्शन एंड दस नो पॉसिबिलिटी ऑफ फाउल प्ले, राइट। तो ये चाहते हैं कि इसमें कोई फाउल प्ले ना हो। इसके अलावा हु व्हाट व्हाई व्हेन वेयर के नाम से इसमें आता है, तो बैंकिंग रिफॉर्म के बारे में है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो और इसके अलावा इंडिया ईरान ऑयल ट्रेड के बारे में भी है, तो चीज़ें होती हैं इंपॉर्टेंट, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए व्हाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये भी एक टॉपिक अच्छा हो सकता है, आप चाहें तो इसको भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ये सब रिसर्च से रिलेटेड चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और ट्री के कितने फ़ायदे हैं, ट्री ऑफर्स मल्टीपल बेनिफिट्स, डोंट किल देम ब्रीड देम, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे लिए हो सकता है, क्योंकि आजकल ये भी न्यूज़ में काफ़ी है। जब दिल्ली में पेड़ काटने की बात की गई थी उसके बाद से काफ़ी इस पे आर्टिकल्स आए हैं, तो आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। देखिए थोड़ा इसमें जो मेंशन किया गया है कि 100 ट्रीज़ जो होते हैं वो रिमूव करते हैं 53 टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और जो 430 पाउंड्स ऑफ अदर एयर पोल्यूटेंट्स पर ईयर, राइट। तो जो 430 पाउंड्स ऑफ अदर एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं उनको डील करते हैं और 53 टन कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट करते हैं। दे आल्सो कैच अबाउट 1,40,000 गैलन्स ऑफ द रेन वाटर पर ईयर, ठीक है। तो 1,40,000 गैलन्स ऑफ रेन वाटर पर ईयर ये कैच करते हैं। तो इसको चाहे तो आप इसमें से नोट्स बना सकते हैं आप, ठीक है। और तो ये स्पोर्ट्स की न्यूज़ है, आपको पता होगा फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, तो उसमें उससे रिलेटेड ये सारी न्यूज़ आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। स्वीडन इंग्लैंड के बीच में ये लिखा गया है कितने अटेम्प्ट कितने किए कितने जीते, तो ये जो मैच था उसके बारे में आप पढ़ना चाहें, इंटरेस्टेड हो तो पढ़ सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, थैंक्स अ लॉट।